कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल में उपचार के लिए आए मरीजों ने उपचार के नाम पर एक कथित डॉक्टर व उसके दलाल द्वारा पैसे मांगने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि शहडोल सोहागपुर के रहने वाले प्रकाश बर्मन का एक्सीडेंट में हाथ टूट गया था। उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उससे उपचार के लिए पहले 10,000 रुपये की मांग की गई। 10,000 रुपये देने में असमर्थता जाहिर करने पर सौदा 7,000 में जा पटा। पैसा देने के बाद भी आज तक उसके हाथ का ऑपरेशन न हो सका। ऐसा ही उपचार के लिए आए एक और मरीज बबलू केवट, जिनका लड़ाई में पैर टूट गया था। उपचार के लिए भी जिला चिकित्सालय आए, जहां एक कथित डॉक्टर व दलाल ने इनसे उपचार के नाम पर 5,000 रुपये मांगे। पैसा दे देने के बाद भी आज तक ऑपरेशन नहीं हो सका है। जिला अस्पताल के ऑर्थो वार्ड में उपचार के लिए भर्ती प्रकाश बर्मन के हाथ टूट जाने पर ऑपरेशन होना है व बबलू केवट का पैर टूट जाने पर ऑपरेशन होना है, जिसके लिए दोनों से पैसों की मांग की गई। इतना ही नहीं, बाकायदा एक मोबाइल नंबर भी दिया गया। दिए गए नंबर में मरीजों ने नाराजगी जताते हुए पैसा ले लेने के बाद भी ऑपरेशन नहीं करने के बाद के साथ ही पैसा देने की बात की, जो मोबाइल पर रिकॉर्ड हो गया है। मरीजों द्वारा पैसा देने के बाद ऑपरेशन नहीं होने से नाराज मरीजों ने इस मामले को मीडिया के सामने रखा। वहीं इस पूरे मामले में जिला अस्पताल के सिविल सर्जन का कहना है कि इस तरह का कोई मामला उनके संज्ञान में नहीं आया। यदि कोई शिकायत करता है तो मामले की जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी।